एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ दूध पुली पिठा। ये देखिए, दूध पुली पिठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का नारियल लिए है। नारियल को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी, 1.5 लीटर दूध और चावल का आटा लिए है। अभी पानी गर्म करके चावल का आटा है जो वो मिक्स कर लूँगी, उसके बाद पिठा बनाऊँगी। ये देखिए, दूध पुली पिठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई पे पानी गरम कर ली। पानी जब अच्छी तरह से उबाला जाएंगे तब चावल का जो आटे है वो मिक्स कर लूँगी, उसके बाद दूध पुली पिठा बनाऊँगी। ये देखिए, चावल का आटा पानी से अच्छी तरह से मेरी माँ मिक्स कर रही है। ऐसे करना पड़ता है, देखिए। चावल के आटे को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है, नहीं तो वो जो पिठा है फट जाएगा। उसके बाद बड़ा साइज का एक रोटी बनाना है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेना है। रोटी बना के बोतल के ढक्कन से छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करना है, उसके बाद वो जो पिट्ठा है वो पिट्ठा बनाना है। ये देखिए, कितना बड़ा साइज का रोटी बना लिए है। ज़्यादा पतला भी नहीं है और मोटे भी नहीं है। देखिए, अबे बोतल के ढक्कन से अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए, मैंने जो छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इस तरह से पिठा बनाना है। देखिए, दोनों साइड से खुला रहना चाहिए ताकि इसके अंदर दूध और जो नारियल है वो सब इसके अंदर जाए। ये पिठा खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से सिर्फ ऐसे करके बीच में ऐसे दबा के देना है। ये देखिए, ये देखिए, सारे पिठा मैंने बना लिए हैं। अभी सारे पिठा दूध में पकाऊंगी। ये देखिए, कढ़ाई पे मैंने दूध चढ़ा दिए हैं। अभी मैं 2 तेज़पत्ता और 2 इलायची दे दूंगी। और चीनी और स्वाद अनुसार नमक भी दे दूंगी। ये देखिए, चीनी, इलायची, तेज़पत्ता दे दिए हैं, साथ साथ में ये जो नारियल है ये भी दे दूंगी। ये देखिए, सारे चीज़ मैंने दूध में मिला लिए हैं। अभी जब दूध आधा हो जाएगी तब वो जो पिट्ठा है वो पिट्ठा दे दूंगी। दूध उबाला गई है और थोड़ी सी कम भी हो गई है। अभी मैं वो जो पिट्ठा है पिट्ठा दे दूंगी। ये देखिए, धीरे धीरे से देना है क्योंकि वो जो पिट्ठा है वो खुल जाएगा नहीं तो। ये देखिए, सारे पिठा दूध में दे दिए हैं। अभी हाई फ्लेम में पकाना है, नहीं तो ये जो पिठा है वो गल जाएगा। 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है।
ये देखिए पिठा हमारी लगभग हो गई है, और भी 2 मिनट अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए फाइनली दूध पुली पिठा रेडी हो गई है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बोल में निकल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए आज की दूध पुली पिठा देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर रही है। खाने में भी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। आप लोग भी घर में ऐसे बना के खाएं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की ऐसे दूध पुली पिठा का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।